नमस्कार, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। दूसरी कक्षा के सभी छोटे छोटे बच्चे हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 2 पर। हिंदी की इस क्लास में, इस प्रोग्राम में आप सब हमारे साथ पढ़ने वाले हैं एक कविता। कविता का नाम है म्याऊ म्याऊ और उसका भाग 2 है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। हम कविता भी पढ़ेंगे और उसके अलावा और बहुत सारा मजा भी करेंगे। अगर आपको म्याऊ म्याऊ से कोई कहानी याद आती है, कोई किस्सा याद आता है तो जरा हमें भेजिए CIET.KishoreMunch@gmail.com पर। और आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में अपने किस्से कहानी लिखिए, अपनी कविता के बारे में लिखिए। अगर आपने कुछ लिखी है कविता वो भी लिख सकते हैं। हमें बताइए कि आप घर जो बैठे हैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उस वक्त का इस्तेमाल आपको मजा आ रहा है या नहीं। आइए मिलते हैं हमारी मेहमान से जो कि हमें कविता पढ़कर सुनाएंगी और बहुत सारा खेल भी खिलाएंगी। हमारे साथ हैं मिस कविता बिष्ट। स्वागत है आपका मैम। नमस्ते तन्वी, नमस्ते सभी। नमस्ते मैम। मैम है हेडमिस्ट्रेस फ्रॉम KVNMR NCERT ब्रांच। तो आइए मैम से पूछते हैं, मैम ये जो कविता है म्याऊ म्याऊ और इसका ये जो भाग 2 है, इसमें मैम आज हमें क्या पढ़ाने वाली है? और साथ ही साथ क्योंकि भाग 1 भी पहले हो चुका है तो देखते हैं भाग 1 में क्या हुआ था और भाग 2 में क्या होने वाला है। मैम तन्वी, भाग 1 में हमने बहुत अपने छोटे छोटे पपेट्स के द्वारा, स्टिक पपेट के द्वारा कविता पढ़ी थी। दुख वाले शब्द किए थे, प्रश्न उत्तर किए थे। और पता है आज मेरे साथ कौन आया है? कौन? ये दो मेहमान। ओ देख रहे हो जी, इसका नाम है गौरव और इसका नाम है गरिमा। हेलो दीदी। हेलो गौरव। हेलो गरिमा। हेलो दीदी। गौरव और गरिमा कह रहे हैं कि उन्हें कविता बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने कहा चलो फिर आज देख लेते हैं कि इन्हें कितना याद है। जी तो तन्वी शुरू करें। बिल्कुल मैम। तो आज हम आपके सामने गौरव और गरिमा के साथ, और आप सारे बच्चे जो हमारे इस मंच पर हैं, हमें देख रहे हैं, आप भी इसका आनंद उठाइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, आपको मजा आ जाएगा इन दोनों के साथ पढ़ने में। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज जो हम पहला करने जा रहे हैं वो है कि हमारा शब्दों से वाक्य बनाना। जी तो चले बनाएं हम वाक्य। सबसे पहला कौन सा शब्द है जिससे हम वाक्य बनाने वाले हैं? सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है, आप पढ़ सकते हैं इसे, जी बन गया वाक्य। तो नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो पहला शब्द सूजा। अब सूजा में एक वाक्य तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जी। राधा क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूजा? अब हम गौरव से पूछेंगे, क्या गौरव बता सकता है? गौरव बताओ कि कोई आपको वाक्य पता है सूजा इस शब्द से? अभी बताता हूं दीदी मैं, बताओ जल्दी कौन सा शब्द। अभी बताता हूं, सूजा। इस कविता में भी तो लड़की को कुछ सूझा था, तो मेरा वाक्य बताओ, गरिमा को एक बहुत ही अच्छा सा प्लान सूझा। अब प्लान सूझा सही हो सकता है ना दीदी? हाँ बेटा, आपके लिए सही है। आपके जो भी आप सोचोगे, छोटे छोटे बच्चे आप जो सोचते हो हमारे लिए वही बहुत है। अब हम गरिमा से पूछते हैं तन्वी जी, जो हमारा दूसरा शब्द है वो है
धीरे से yes. ये है हमारा अगला शब्द धीरे से। तो गौरव ने तो एक शब्द एक वाक्य बता दिया जी. अब गरिमा की बारी। मुझे लगता है गरिमा ज्यादा अच्छा वाक्य बनाएगी। तो हाँ धीरे से गौरव मेरे कमरे में आ गया दीदी। अरे वाह कितना अच्छा कहा हमारी गरिमा ने कहा धीरे से गौरव मेरे कमरे में आ गया। वेरी गुड गरिमा बहुत अच्छे। अब हम तीसरे शब्द पर जाते हैं और उसे हम पूछेंगे तन्वी से। गौरव और गरिमा ने तो हमें बता दिया। तो तीसरा शब्द है हमारा सचमुच। बताओ तन्वी। तो क्या क्या मछलियां सचमुच उड़ सकती हैं? वेरी नाइस बहुत अच्छी कल्पना है तन्वी। बच्चे भी सोचते होंगे हम भी बचपन में सोचते थे बच्चे जो कभी कभी आसमान में मछलियां बना देते हैं जी उनकी कल्पना है तो हम कर सकते हैं। कल्पना है सिर्फ उन्हें सही करना हमारा रोल होता है हम शिक्षक शिक्षिकाओं का। बहुत अच्छे। तो बच्चों अभी हमने तीन अक्षरों से तीन शब्दों से वाक्य बना लिया। एक तो था हमारा सूझा दूसरा था धीरे से और एक हुआ अभी तन्वी ने बताया हमें सचमुच और जो चौथा है यह आप गृह पाठ में करेंगे वो है बहाना जो आप हमेशा करते हो क्लासरूम से बाहर जाने का। कभी मैम मुझे टॉयलेट आ गई कभी मुझे पानी पीना तो ये इसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे वाक्य मिलेंगे। तो ये आपका है गृह पाठ जिससे सारे बच्चे अगर आप अभी देख रहे हो तो कमेंट में प्लीज लिखकर हमें भेज दीजिए कि बहाना इस शब्द से आप क्या वाक्य बना सकते हैं। जी तो तब तक मैम हम एक वाक्य बनाते हैं बहाना से। क्यों नहीं तन्वी बनाइए। बहाना बनाना बुरी बात होती है। वेरी गुड बहुत अच्छे तन्वी। बहाना बनाना बहुत बुरी बात होती है। बहुत अच्छे। तो अगर हम यहाँ देखें वहां पर भी एक वाक्य लिखा है जी बच्चों का बहाना काम कर गया। जैसे इस कविता में लड़की ने क्या बहाना बनाया था क्या आपको याद है तन्वी? नहीं याद है। ओ लड़की डर गई थी ना चूहे से जी। तो अब वो सोच रही थी कि मैं कैसे उसे ये करूं कैसे बचूं तो उसने चूहे को डराने के लिए बिल्ली का सहारा लिया था। तो बिल्ली आई थी अब वो ये भी नहीं कर सकती थी कि मैं उठ के जाऊं क्योंकि रात थी तो बहाना भी कुछ नहीं था उसके पास। तो इसमें जितने भी शब्द आए हैं इस कविता में तन्वी तो इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे शब्द हैं जैसे धीरे से सूजा बहाना रोई ये शब्द भी बच्चों आप गृह पाठ में अपने कर सकते हैं। रोई बहुत अच्छा शब्द है इससे भी आप बहुत अच्छे एक वाक्य बना सकते हैं। ठीक है और अभी तन्वी हम अपने अगले क्रम पर जाते हैं। बिल्कुल मैम। तो अगले क्रम में जैसे आपको इस कविता में हमने बताया था कि जब वो लड़की सोई थी तो चूहा आके उसको चूटी मार गया था जी। अब चूटी मार गया तो वो डर गई थी जी। तो ऐसे हमें कुछ वस्तुएं आप बताएंगे बच्चों जिनसे जिनकी नोक नुकीली होती है और हमें चूटी जैसा है एहसास होता है। जैसे पेंसिल की नोक। यस तन्वी यू आर राइट पेंसिल की नोक। पेंसिल की नोक से भी बच्चे कभी कभी चुबाते हैं ना ऐसे बहुत सारे शैतानियां करते हैं बच्चे चुबाने का जी। बहुत बढ़िया तन्वी। अब गौरव भी कुछ कहना चाहता है मुझे बोल रहा है कि मैं कहना चाहता हूँ कुछ आइए सुनते हैं गौरव की बातें।
गौरव आप क्या बोलना चाहते हो, बताओ तो, कौन सा नुकीला औजार या कौन सी चीज बताना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूँ कील। ओ दीदी, तन्वी दीदी, कल ना मेरे पैरों में खेलते खेलते कील चुप गई थी और मुझे बहुत दर्द हुआ था। ओहो गौरव, तुमने चोट पर कुछ लगाया या नहीं? हाँ दीदी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई और टेटनस का इंजेक्शन लगाया। चलो गौरव, अब तुम सेफ हो, पर अपना ध्यान रखना। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। पर देखो, गरिमा से पहले मैंने उत्तर बताया। अब तन्वी जी, गौरव ने बता दिया कील, आपने बता दी पेंसिल। चलो देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर दिख सकती है। जैसे कील बता दी थी, अब हम गरिमा से पूछते हैं ये क्या चीज है। क्या तन्वी आप बता सकती हो ये क्या है? मैम हम पहले गरिमा से पूछें। गरिमा से जी, गरिमा कहाँ गई है? जरा बुलाते हैं उसे, गरिमा को। गरिमा बताएगी, हमारी गरिमा भी बहुत ही होशियार लड़की है। आ गई दीदी, आ गई तन्वी दीदी। चलो गरिमा बताओ कि ये जो तुम चित्र देख रही हो, इस पर आखिर बना क्या हुआ है? दीदी जो चित्र दिखाई दे रहा है उस पर चाकू बना हुआ है, जिससे हमारी मम्मी सब्जियां काटती है, सही ना? बिल्कुल सही। अरे वाह गरिमा, तुम तो अपनी मम्मी को रसोई में जरूर देखती हो। हाँ दीदी, मैं अपनी मम्मी के साथ है, उनकी मदद भी करती हूँ रसोई में, पर चाकू से नहीं, सिर्फ कभी कभी बर्तनों को इधर से उधर सरकाने में। बिल्कुल, बहुत अच्छा करती हो, क्योंकि छोटे बच्चों को नोकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। सही बात कहा तन्वी आपने, हमें नोकीली चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें चोट पहुंच सकती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है ना नोकीली मैम, देखे। हाँ क्यों नहीं, पेंच। पेंच यहाँ पर आपके घर में जब भी कोई काम होता है, बढ़ई आता है या कारपेंटर आते हैं, तो आपके ये पेंच से दीवारों में लगाकर, जैसे कील के साथ पेंच भी लगाते हैं, ताकि कोई चीज़ आपको अच्छे से लगा सकें। तो बच्चों ये तीन चीज़ें तो मैंने बता दी, तो क्या आप और तीन चीज़ें बता सकते हो? तो जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो वो तीन तीन चीजें क्या है, हम भी देखें बच्चे कितने, क्योंकि नुकीले बताएं कविता में भी, जैसे इस कील, इस चाकू और इस पेंसिल, इसके साथ साथ भी आस पड़ो आपके घरों में इतनी चीजें होंगी कि आपको मिल जाएंगे और तुरंत आप लिखकर या देखकर तुरंत बोल सकते हैं। तो तन्वी ये जो हमारा अभी हम अभ्यास कर रहे थे, जैसे ये चित्र दिखाकर वस्तु, ये इससे क्या होता है, अगर हम चित्र भी नहीं दिखाएं तो बच्चों को बोलने का हम मौका दें, क्योंकि बच्चे जब बोलते हैं उनकी कल्पना, और ये जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इनमें ना बहुत अच्छी अद्भुत शक्ति रहती है, और उनके जो बोल होते हैं ना वो रियली हमें इतने अच्छे लगते हैं। तो मैं जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं पढ़ाते हैं, तो बच्चे जब बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें पूरा मौका दीजिए, उन्हें ये मत बोलिए कि गलत है, पर उन्हें ज़रूर समझाइए कि कहाँ पर गलती है, बाद में, पहले उनका सारा सुनना है हमें, क्योंकि बच्चों को मौका देना है, और अगर पहले ही हमने बच्चों को रोक दिया तो बच्चा कभी नहीं बोलता। बहुत ही अच्छी सीख है मैम। बहुत, मैंने खुद देखा ऐसे कि बच्चों को हमेशा मौका देने से उनका मनोबल बढ़ता है, बच्चे आगे आते हैं कि हमारे मैम हमारे सर हमें बोलने का मौका देते हैं, क्यों ना हम आगे जाकर बोलें, क्योंकि हमारी मैम हमें डांटती नहीं है गलत होने पर, वो हमें सुधारती हैं। तो ये सब बातें हमें हमेशा छोटी छोटी हैं, पर ये सब हमें आगे बच्चों का मनोबल, आगे इन बच्चों को आगे जो उनका डेवलपमेंट होता है इसके लिए बहुत काम आती हैं। बिल्कुल मैम।
तो और कुछ है मैम जो जिस पर हम बातचीत कर सकें, क्योंकि ये कविता मुझे बहुत पसंद आ रही है। चूहा है इसमें, एक बहाना है, एक सूझा है, बहुत सारे वाक्य हैं और साथ में गौरव और गरिमा भी है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करने का, लेकिन 2 मिनट और हैं हमारे पास। मैम तन्वी, हम तो चलो एक और एक्टिविटी कर लें। चलिए, कलर बहुत ही मजेदार है। जैसे आपने इस कविता में पढ़ा था, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। यहाँ आप देख सकते हो कि शब्दों का उलटफेर किया गया है जी। ठीक है, तो मैंने आपको एक कविता में तो बहुत सारे हैं, तो जैसे कि सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई, जो ये कविता हमारी स्टार्ट होती है, जहाँ से प्रारंभ होती है, उसके पहले जो हमारे वाक्य है वो है सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई। तो ऐसे ही हमारी इस कविता में बहुत सारे शब्दों के उलटफेर किए हुए आते हैं। तो एक किया हुआ है सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, जिसे हम लिख सकते हैं मुझको एक बहाना सूझा। तो अब तन्वी आपकी बारी है, नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। तो पहला वाक्य है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। चौराहे पर खड़ी थी गाय। वेरी गुड। और एक और दूसरा है, घुस गया शेर जंगल में। जंगल में शेर घुस गया। बहुत ही बढ़िया तन्वी, यानी कि आप भी इस कविता को बड़े मजे से पढ़ रही थी, तो आपको भी समझ में आ गया जैसे हमारे गौरव गरिमा को आया है। बिल्कुल मैम, और मैं आशा करती हूँ हमारे बच्चों को भी वो पसंद आया होगा जैसे हमने कविता की थी पहले भाग में और अभी ये कर रहे हैं क्रियाकलाप जी। तो आपने बहुत ही बढ़िया कहा और बहुत अच्छे से ये कहा। तो ऐसे छोटे छोटे जैसे इन शब्दों का ये होता है तन्वी, हम करते हैं कि जैसे आपने देखा शब्दों का उलटफेर, इसमें क्या है, सिर्फ बच्चों को हम बोलते हैं कि आप इन शब्दों को लो और जो लिखा हुआ एक वाक्य बनाओ। इसमें भी आप देखोगे कि आपने तुरंत बना दिया, तो अब हमारे दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मैं शिक्षक शिक्षिकाओं से कहूँगी कि आप इन्हें बिल्कुल समय दीजिए, क्योंकि हम बड़े हैं वो बच्चे हैं। बच्चे और बड़ों में बड़ा अंतर होता है, जो बच्चे कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं बच्चे नहीं कर सकते जी। तो बहुत ही अच्छे से आपने कहा। और तन्वी अगर हम देखें तो और एक वाक्य देख लें फिर। मैम वाक्य तो हम देख सकते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे पास अभी यूट्यूब पे एक कमेंट आया है और यूएस से है ये, इनका नाम है मैकगोनेगल। अच्छा। और ये हमें कह रहे हैं कि ये हमारा कार्यक्रम देखते हैं और इन्हें बहुत पसंद आता है और इन्होंने खास तौर पे हिंदी सीखी है क्योंकि इन्हें हमारा कल्चर बहुत पसंद है। ओह सो नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू मैकगोनेगल फॉर वॉचिंग दिस शो एंड फॉर लाइकिंग इट, एंड वी होप वी आर लिविंग अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, एंड वील कीप ऑन कमिंग विद मोर शोज ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर यू एंड फॉर मेनी मोर पीपल जस्ट लाइक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो प्यारी सी कविता है हमारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए और इतना सारा मजा देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू तन्वी, थैंक यू आपका भी, और थैंक यू गौरव और गरिमा को भी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी बच्चों का। देखिए आपने ये जो कविता थी पढ़ी थी पहले भाग में और उसके साथ ये जो आज की हमने क्रिया की उसमें मुझे बहुत मजा आया, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मजा आया होगा। ये जो कविताएं हैं जो हम पढ़ते हैं इन क्लासेस में, इनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। तो आपको क्या सीख मिली आप हम तक पहुंचाइए अपनी बातें ciet.kishoremanch@gmail.com पर। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और कहीं मत जाइएगा। वेबिनार लेकर थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे यहीं पर एनसीईआरटी के ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल पर। नमस्कार।